गाड़ी से लोगों को कुचलने का ये वीडियो महाराष्ट्र के उल्लासनगर का है। वीडियो में आप देखिए कुछ लोग दुकान के बाहर खड़े हैं, उनके हाथ में लाठी और तलवार है। इस बीच एक सफेद गाड़ी आती है, तेजी से उनकी तरफ बढ़ती है। लोग जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक दो तीन लोग कार की चपेट में आ जाते हैं। इसके बाद वहां खड़े लोग गाड़ी पर तलवार लाठी से हमला कर देते हैं। ड्राइवर एक बार फिर से उन पर गाड़ी चढ़ा देता है। ये पूरा मामला आपसी रंजिश का है। मारपीट की ये तस्वीर भी उल्लासनगर की है। सड़क पर मारपीट के बाद दोनों गुट जो जख्मी हुए थे अस्पताल में पहुंचे, वहां पर उनका इलाज चल रहा था। लेकिन वहां पुलिस वालों की मौजूदगी में देखिए कैसे एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाने लगे और पुलिस ने रोकने की बजाय वहां से भागना बेहतर समझा। झड़प में 6 लोग घायल हो गए, 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उल्लासनगर में एनसीपी के समर्थन से नगर पालिका का चुनाव जीती पूजा कौर और रेस्टोरेंट मालिक मन्नू सिंह के बीच आपसी रंजिश का ये पूरा मामला है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का अनिश्चितकालीन बंद आज भी जारी है। बंद कराने की कोशिश कर रहे जीजेएम समर्थकों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। यही तस्वीर आपके सामने। जीजेएम के समर्थक महिलाएं विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हुई थी, लेकिन पुलिस ने इन्हें यहां से हटा दिया। बंद की वजह से सबसे ज्यादा मुश्किल यहां के पर्यटकों को हो रही है। सड़क पर एक महिला 3 लोगों को पीट रही है। आरोप है कि ये 3 बच्चा चोर है। ये लोग बच्चों को आइसक्रीम और चॉकलेट का लालच देकर उन्हें किडनैप कर लेते हैं। लोगों ने इन 3 बच्चा चोर को पकड़ा, बुरी तरह से पिटाई की, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। फिलीपींस में आईएसएस ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में आईएस के आतंकी फायरिंग कर रहे हैं। मारावी शहर में आतंकी आधुनिक हथियार से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। आईएसआईएस ने शहर के एक हिस्से पर कब्जा करा है। आईएसआईएस और फिलीपींस सेना के बीच रोज संघर्ष हो रहा है और इस संघर्ष में अब तक 58 सुरक्षा बल, सैकड़ों आतंकी और 20 नागरिक मारे गए हैं। ये 6 तस्वीर चीन के सड़क एक्सीडेंट की है। बाइक पर जा रही महिला को मिनी बस ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से महिला दूर जाकर गिरी। मिनी बस के ड्राइवर ने उतरकर महिला का हाल जाना। महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाइक सवार महिला ने रेड लाइट जंप की थी, जिस वजह से हादसा हुआ। ये भी तस्वीर चीन ही की है। बाढ़ ने देखिए कैसे तबाही मचाई हुई है। घर, सड़कें सब डूब गई हैं। सेंट्रल और ईस्ट चाइना में भारी बारिश के बाद कई जगह लैंडस्लाइड हुआ। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। बाढ़ की वजह से घरों और सड़कों को बहुत नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीर रशिया की राजधानी मॉस्को की है, जहां पुतिन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस इन लोगों को हिरासत में ले रही है। विरोध प्रदर्शन विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी ने बुलाया है। एलेक्सी ने पुतिन सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। मॉस्को के साथ कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया गया। बोलीविया में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन ने हाईवे को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 33 लोगों को हिरासत में लिया। ये दिल्ली के जामिया नगर की तस्वीर है। बाइक पर आए इन बदमाशों के हाथ में हथियार है। बदमाशों ने एक महिला के घर के बाहर कई राउंड हवाई फायरिंग की। बदमाश फायरिंग करके फरार हो गए। महिला का आरोप है कि प्रॉपर्टी की वजह से उनके सौतेले बेटे ने घर के बाहर ये गोलियां चलवाई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब इन गुंडों की तलाश कर रही है। हंगामे की ये तस्वीर दिल्ली के मंडावली की है। रविवार रात को 1 बजे पुलिस वैन ने गलत साइड से आ रही स्कूटी को टक्कर मार दी। इसके बाद लोगों ने पुलिस पर अपना गुस्सा निकाला। पुलिस वालों को गालियां दी, मामूली मारपीट भी हुई। पुलिस की वैन से शराब की बोतलें जब्त की गई है। लोगों का आरोप है कि पुलिस वाले नशे में थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अपने जवानों को क्लीन चिट दे दी है। कर्नाटक के रायचूर से एक हैरान करने वाला ये वीडियो आपके सामने। नगर निगम के ऑफिस में एक पुरुष कर्मचारी ने महिला कर्मचारी को लात मारी। महिला को लात मारने का ये वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। झगड़ा क्यों हुआ ये साफ नहीं। यूपी के संभल की ये तस्वीर, जहां लिंक एक्सप्रेस हंगामे की वजह से 2 घंटे तक रुकी रही। एक यात्री ने कोच से झगड़े की सूचना रेलवे पुलिस को दी। पुलिस कोच में पहुंची तो झगड़ा करने वालों ने पुलिस को सूचना देने वाले व्यक्ति से ही मारपीट शुरू कर दी। काफी देर तक हंगामा होता रहा। 2 घंटे तक ट्रेन रुकी रही।
बिहार के मोतिहारी में कल रात एक दुकान में आग लग गई। दुकानदार का आरोप है कि पहले दुकान में चोरी की गई, फिर आग के हवाले कर दिया। जब तक आग बुझाई जाती तब तक पूरी दुकान जलकर खाक हो गई थी। राहत की बात यह है कि लोगों ने उसी वक्त 5 लाख का चंदा जमा करके दुकानदार की मदद की। गाजियाबाद में एक फ्लैट पर अचानक आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। घर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहां काम कर रहे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर पहुंची, आसपास के घरों को खाली करने का निर्देश दिया। ऊंची इमारत पर एक व्यक्ति बाहर लटका हुआ आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये वीडियो स्पेन का है। एलन रॉबर्ट्स नाम का ये व्यक्ति स्पाइडरमैन के नाम से बहुत मशहूर है। एलन ने स्पेन के बार्सिलोना में अपना कर्तव्य दिखाया। एलन यहाँ एक होटल की इमारत पर बिना किसी उपकरण के चढ़ गए। 55 साल के एलन इससे पहले भी बहुत सारी ऊंची इमारतों पर बिना किसी उपकरण के मदद के चढ़े हैं। ये शिमला में एयर शो की तस्वीर है। ये एयर शो एक हफ्ते तक चलेगा। एयर शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। एयर शो के दौरान लोग पैराग्लाइडिंग का आनंद उठाते हैं। ये दिल्ली के लुटियन जोन की तस्वीर है। योग दिवस की तैयारियां चल रही है। दीवारों पर योग आसन की पेंटिंग्स की गई है। पेंटिंग्स अलग अलग कलाकारों ने बनाई है। इसके अलावा लोधी गार्डन, नेहरू पार्क और तालकटोरा स्टेडियम में एनडीएमसी की तरफ से स्पेशल योगा क्लासेस भी चलाई जा रही है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा। ये तस्वीर ग्रीस की है, जहां भूकंप ने तबाही मचाई है। ग्रीस का लेस्पोस द्वीप कल 6.3 तीव्रता के भूकंप से दहल गया। भूकंप से इमारतों को भी बहुत नुकसान पहुंचा, ये आपको दिख रहा है। टर्की के पास भूकंप का केंद्र बताया गया। वीडियो में कई इमारतों को नुकसान होता हुआ साफ दिख रहा है। भूकंप में अभी तक एक 60 साल की महिला की मौत की खबर है। 10 लोगों के घायल होने की बात कही। ये सीरिया के रेगिस्तान की तस्वीर है, जहां सीरिया सेना की जबरदस्त लड़ाई चल रही है। होम्स पर कब्जे के बाद अब सेना आगे बढ़ गई है, लेकिन जिन इलाकों में अमेरिका विमान बमबारी कर रहे हैं वहां सेना आगे नहीं बढ़ पा रही है।